दोस्तों नमस्कार, मैं दौलत कुटुरिया अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की। अश्वगंधा की ये जड़ें हैं, इसकी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। आज हम इसको पूरी जानकारी देंगे, कैसे उखाड़ते हैं, क्या है, तो देखते रहिए हमारा चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसे बूस्टर की जानकारी देंगे जो आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, शक्तिवर्धक है। दोस्तों आज का जो समय है, जो हमारा खान पान है या प्रदूषित वातावरण है, जल की भी समस्या है। हम आज पानी पीते हैं आरओ का, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट खत्म होते जा रहे हैं। तो आजकल जो युवा है या बड़े हैं या छोटे हैं, तो उनका जो है शरीर बहुत कमज़ोर होता जाता है। तो आज युवा आदमी भी कहता है कि यार बुढ़ापा आ गया, ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने में आती हैं। हाथ पैर दर्द करते हैं, जल्दी नर्वस सिस्टम भी थोड़ा कमज़ोर होने लगता है, कमज़ोरी चेहरे पे दिखती है आज के टाइम में। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूध पी लें, घी खा लें, देसी घी खा लें। तो किसी को देसी घी पचता है, नहीं पचता आज के टाइम में, तो लोग क्या करते हैं, ताकत की दवाइयां ढूंढना शुरू कर देते हैं दुकानों पे या डॉक्टरों के पास। बूस्टर ढूंढते हैं तो पता लगता है ये प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें आयरन है, इस तरह के लोग एक दूसरे को बता करके या डॉक्टर थोड़ा बता करके हम वो दवाइयां बूस्टर लेने लगते हैं। फ़ायदा ज़रूर होता है, ये नहीं कि फ़ायदा नहीं होता, उससे भी फ़ायदा होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए हमें बूस्ट मिलता है। लेकिन ये कब तक हम लेंगे, पैसे खर्च करेंगे, आखिरकार फिर हम दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, फिर वही हमारा सिर दुखता है, नर्वस सिस्टम खराब होता है, फिर वो कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं और अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल से शुरू से मैंने कहा कि मेरा जो चैनल है वो जीरो बजट पर काम करता है, और मेरी ये जीरो बजट पर मैं आज आपको बताऊँगा कि आयुर्वेद में सबसे बढ़िया बूस्टर क्या है और कोई पैसा खर्च नहीं होता। दोस्तों आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, ये हमारा एक अभियान भी है। आप पिछले में वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त अभियान के रूप में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश की हजारों साल पुरानी आयुर्वेद है। तो आप लोग भी मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले। तो हम बात करते हैं आज के बूस्टर अश्वगंधा की। अश्वगंधा का नाम आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। अश्वगंधा मतलब कि घोड़े जैसी स्मेल, मतलब घोड़े जो घोड़े के अगर हम कहीं चले जाएं, घोड़ों के पास बहुत सारे घोड़े हैं और वहाँ घुसे हैं देखें, तो हमें वहाँ की जो स्मेल आएगी सेम उसकी जड़ से वैसी ही स्मेल आएगी। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। अश्वगंधा का जो वैज्ञानिक नाम है वो वीतानिया सोमानी फेरा है। ये सालों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होता आया है, ये भारत का लगभग हर जगह पाया जाता है भारत में, और ये उत्तरी अफ्रीका में भी पाया जाता है। संस्कृत में इसको बोलते हैं वासीगंधा, हिंदी में इसको बोलते हैं अंशगंधा, और अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन जेंसोंग। इसके इस तरह से नाम है, और पनेरू भी बोलते हैं। तो दोस्तों अश्वगंधा के वैसे तो सभी इस्तेमाल होता है, जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ते भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो जड़ होती है। जो सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं, शक्तिवर्धक होती है, वो होती है जड़। अश्वगंधा का पौधा जो है वो लगभग 2 से 3 फुट होता है, ये पौधे के रूप में होता है, और ये लगभग हर जगह पहाड़ों में इधर उधर उग जाता है, खाली मैदान में जंगलों में भी ये उग जाता है। दोस्तों ये अश्वगंधा है, और इसको हम कैसे निकालते हैं, इसकी जड़ों को एकदम से जड़ खींचेंगे तो वो जड़ बीच में टूट जाएगी, लेकिन हमें इसकी पूरी जड़ चाहिए होती है, क्योंकि इसकी जड़ में ही सारी वो ताकत है, जो बूस्ट है वो जड़ में ही है। तो इसलिए हमें इसको पूरी जड़ के साथ उखाड़ना पड़ता है ताकि जड़ अंदर टूटे ना, और यही जड़ है जो घोड़े की तरह हमारे को गंध देता है, और ये अच्छी होता है। मतलब ऐसे और किसी अगर हम घोड़ों के अगर अस्तबल में जाएं तो उसमें एक गंध निकलती है, बिल्कुल सेम इसकी गंध वैसे ही निकलती है। और इसको बोने का जो तरीका है
वो बीजों से बोया जाता है या हम खेतों में, अगर इसकी एग्रीकल्चर में इसको खेतों में लगाएं तो जैसे राजस्थान में खेतों में उगाया जाता है तो बीज से उगा सकते हैं या नर्सरी से इसके पौधे ला करके उगा सकते हैं। एक एकड़ में लगभग 4-5 किलो बीज लगता है, अगर पौध लगाएं तो 2 किलो के पौध से भी हमारे को मिल सकता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको निकाला है और ये हमारी जड़ें हैं, अश्वगंधा की ये जड़ें हैं, इसको हम साफ करके। अच्छा, जड़ों में भी ऐसा होता है कि अश्वगंधा वही एक बढ़िया अश्वगंधा होता है जो बिल्कुल चमकीला वाइट जड़ निकलेगी, वो बहुत ही अच्छा कारगर होता है। और जो इसका जो टाइम पीरियड होता है पौधे का वो 6 से 7 महीने में हमें उखाड़ना चाहिए, नहीं तो फिर ये खराब तो नहीं होता खेत, लेकिन जो इसको 6-7 महीने में हम इसको उखाड़ते हैं। इसके बाद भी अगर रह जाता है तो भी इसकी जड़ें और लंबी फैल जाती हैं, बट क्योंकि ये जड़ें ही हैं, जो जो मूल है इसकी जड़ है वो ही है अश्वगंधा असली। बाकी तो इसके पत्ते भी हैं, क्योंकि आगे बीच में इसे बताऊँगा, पत्ते जो है इसका दर्द निवारक हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जड़ जो है वो बूस्ट है, वो ताकतवर जो चीज़ है वो है जड़, इसका मूल। तो इस तरह से ये देखिए मैं इसको काट करके इसको साफ करके और इसको सुखा, इसके बाद हम इसको सुखाएंगे और ये काफ़ी धीरे धीरे हम पाउडर बनाएंगे और वो पाउडर जो है मिक्सर ग्राइंडर में या इस तरह से कूट के छान करके पाउडर बनाएंगे इसको। तो ये देखिए जड़ हमने निकाल ली। दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है, वहां जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी और भी इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसकी स्मेल करके देखें, देखिए हम इसकी स्मेल करते हैं, मैंने अपनी स्मेल करके बता रहा हूं कि बिल्कुल घोड़े की जैसे अस्तबल में घोड़े बांधे होते हैं और जब वहाँ पर एक स्मेल आती है, बहुत सारे घोड़े होते हैं और जैसे उनकी जो आती है स्मेल घोड़ों के अंदर एक अच्छी, वो अच्छी स्मेल आए, बुरी स्मेल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो ताकतवर स्मेल होती है। आदमी को ये लगता है कि मैं कहीं एक घोड़ों के अंदर आया हूँ, कि मैं भी एक घोड़ा हूँ, मतलब एक ताकत है, इस तरह से एक बूस्ट वाली फीलिंग आती है। तो अगर हम इसको सूंघें तो मतलब ख़राब नहीं लगती है, लेकिन जो स्मेल है वो इस तरह से होती है अश्वगंधा, जो कि अस्तबल में से आती है, वैसी इसकी गंध है। और इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी जड़ें को साफ कर देते हैं, मेन जड़ें ही इसको हम यूज़ करते हैं, वैसे भी छोटी छोटी जड़ें भी सेम वही काम करती हैं। और ये छोटी छोटी जड़ें जो किसान लोग हैं इनको काट के बेचते भी हैं, छोटी जड़ों को भी और बड़ी जड़ों को भी, तो ये काफ़ी महंगी हैं आजकल। जो मेरे ख्याल से रेट चल रहा है इसका, जो मैंने पता किया वो 1500 से लेकर 2000 रुपये प्रति क्विंटल इसकी जड़ बिकती है, बाकी पत्ते 20 वो अलग अलग रेट पे जाते हैं। तो ये हमारा अश्वगंधा का एक बहुत अच्छा बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ये मैंने अपने घर में जो अश्वगंधा अपने आप उगा था, ये वो वाले अश्वगंधा है जो अपने आप उग जाता है। अड़ोस पड़ोस दाएँ बाएँ खाली जगहों पर या खाली जहाँ जगह होती है वहाँ पर ये अपने आप उग जाते हैं, ये वो वाली अश्वगंधा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक, कॉपर, विटामिन्स हैं और भी बहुत सारे कंपाउंड न्यूट्रिशन हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ताकतवर होता है, इससे ज़्यादा ताकतवर जो है जड़ी बूटियों में और कुछ ही नहीं दोस्तों, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा है। आयुर्वेद में ज़्यादातर मेडिसिन के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, शायद इसीलिए आयुर्वेद में इसको अश्वगंधा कहते हैं, और क्योंकि ये ताकत घोड़े की तरह नापी जाती है इसकी। बताया जाता है किताबों में इसका बहुत वर्णन है, लेकिन समय के अनुसार इसका उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम इसको अब अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये अश्वगंधा लगभग पूरे देश में उपलब्ध हो जाता है, मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल के माध्यम से आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, तो मैं ये थोड़ी सी बात आज करता हूँ आपके साथ। आचार्य बालकृष्ण के कहे अनुसार एक राजस्थान में एक सज्जन जो वहाँ दवाई दिया करता था, मोटापे की, मोटापा कम करने की दवा देता था, वो 3 पत्ते
देता था, वहाँ आदमी को 3 दिन ठहराता था, उसने किसी को भी कभी नहीं बताया कि वो क्या देता है। तो एक दिन वहाँ पर गए, वहाँ पर एक औरत गई और उसको मोटापे कम करने की दवाई औषधि दी, तो उसके साथ उसको बीज भी दे दिए और बोला कि ये गमले में उगा लेना या घर पे उगा लेना और इस तरह इसके पत्ते आप पीस करके गोली बना करके लेना है 3 दिन, उसके बाद फिर रेस्ट लेना है, फिर गोली लेना या जो भी उसको कहा। तो इस तरह से बालकृष्ण जी जब पता किया तो उनको पता लगा कि वो जो वेद था वो किसी को भी बताता नहीं था कि वो क्या देता है। तो इस तरह से पता लगा कि एक माता ने इस तरह से गमलों में उगा रखा है। तो आचार्य बालकृष्ण ने देखा कि वो पौधा जो था वो अश्वगंधा का था। फिर प्रयोग और सेवन को बताते थे कि 3 दिन में 3-3 पत्तियां पीस कर कूट करके गोलियां बनाकर देते हैं, अर्थात 9 गोलियां लगभग बनती हैं, और खाना कम खाकर सेवन करें, थोड़ा सा योगा करें तो मोटापा कम होने के असर होने शुरू हो जाते हैं। तो आचार्य बालकृष्ण ने भी उसको इस्तेमाल करके देखा कि वाकई ये तो मोटापा कम करता है। तब पता लगा कि अश्वगंधा में सबसे खूबी है कि वो मोटापे को भी कम करता है। इसके बाद बीच में गैप देना पड़ता है, 10 दिन का, 15 दिन का, हफ्ते का गैप दे करके वो दोबारा सेवन कर सकता है, क्योंकि इसकी जो है तासीर वो थोड़ा गर्म है। अगर हमारे को कहीं चोट लग जाए या कहीं गुम चोट है या दर्द हो रहा है तो भी हम उसके पत्तों को लगा करके सेंधा नमक या तेल, सरसों का तेल है या जैतून का तेल लगा करके गर्म पत्तों को सिकाई कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये देखा जाए तो एक तरह से जंगली पौधा है, लेकिन आजकल आयुर्वेद में ये फिर बढ़ावा मिलता जा रहा है, तो इसकी खेती भी होने लगी है। राजस्थान में नागौर में भी हो रही है, चित्तौड़गढ़ में है, भीलवाड़ा के आसपास भी है, और इसके जो पत्तियां हैं, जड़ें हैं, बीज हैं, ये बिकते हैं, मंडियों में भी बिकते हैं। राजस्थान में सुना है कई जगहों पर ये बिकता है, उपलब्ध होता है। दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगा। दोस्तों ये वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।